सच न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिबा जान। इस समय भारत माता चौक में मौजूद है, यहां पे का हंगामा हो रहा है पिलर को लेकर, यानी कि यहां पे मोटे पिलर लगाए जा रहे हैं और जिसकी वजह से यहां के जो दुकानदार हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है। बातचीत करेंगे दुकानदारों से, कुछ उनका साफ शब्दों में कहना कि हम यहाँ पर पिलर नहीं लगाने देंगे। आपको बता दूँ इस समय उनका कहना कि अगर यहाँ पर पिलर लगते हैं, गेट लगता तो हमारे जो कारोबार पर है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। फिलहाल बातचीत करेंगे उनके साथ और पूरा मामला क्या है आप लोगों के साथ साझा करेंगे। सर, आपने ऑफिशियली किसी से बात की? हाँ, मेरी बात हुई थी सर, स्मार्ट सिटी वाले अफसर भी आए थे। मैंने उनको बोला यहाँ गेट नहीं लगता, उन्होंने कहा नहीं इसका हो गया ये हो गया। मैंने उनको बोला थोड़ा सा खंभे के साथ लगा दो, किसी को जरूरत नहीं, क्योंकि ये टक लग जाएगा ना, एक जैसा हो जाएगा, रास्ता भी बंद नहीं होगा। अब देखिए यहाँ छोड़ के, ये छोड़ के यहाँ पिलर लगेगा, रास्ता कहाँ बचा, दुकानें हमारी बंद हो जाएगी। फिर भी मैंने इनको कहा अगर 1.5 फुट का आप स्टील का पिलर लगा लेते हैं, इन्हें कहा स्टील का लगा लेते हैं। मैंने कहा चलो जी, स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, ये ना चाहे गवर्नमेंट के हमारी कोई जबरदस्ती कर रहे हैं बाजार वाले। अब ये कंक्रीट का बड़ा पिलर बना रहे हैं, आपने देखा कितने, कहीं ना कहीं मनमानी हो रही है, मनमानी हो रही है, हर वक्त में मनमानी हो रही है, ये सुन के राजी नहीं है, करते कुछ हैं। इनको पता है अगर खड्डा खट गया तो क्या कर लेंगे, रातों रात खड़ा कर देंगे, हम क्या कर लेंगे, तो फिर वही बम बम वाला सीन क्रिएट होगा, बंदे मरेंगे, बस वही फिर बंद होगा जम्मू, फिर उसी पे बात चलेगी। ये ऐसा नहीं चलेगा, अगर गवर्नमेंट चाहती है तो वही करा लो, हम तो मरने को भी तैयार हैं, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। यानी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ ये पिलर नहीं लगना चाहिए, इधर गेट बनना है, जरूरत ही नहीं है गेट बनने की। जब कृष्ण साहब ने खुद मौका देखा, उन्होंने कहा नहीं, अगर बाजार वाले चाहते हैं कि नहीं बने तो ना बनाओ, तो ये जबरदस्ती क्यों बना रहे हैं? जब आपने ऑफिशियली भी बात कर ली, आपकी नहीं सुनवाई हुई, तो अब आप क्या करोगे? हमने आया देखो ये कर रहे हैं, बाद में देखते हैं, बनाने तो मैं दूंगा नहीं इनको, ये इन्होंने बिल्कुल हमारी बात नहीं सुनी, ये बिल्कुल ब्यूरोक्रेट्स वाला काम कर रहे हैं। इस चीज के लिए आप अकेले लड़ रही हैं, बाकी भी स्थानीय लोग, दुकानदार, सारे दुकानदार अभी सारे इकट्ठे हुए थे, सबके इंटरव्यू लिए, उन्होंने कहा नहीं बनना चाहिए, सब दुकानदार चाहते हैं, नीचे वाला वो नीचे वाले चाहते होंगे, वो भी नहीं आते चाहते, आप पूछिए एक एक दुकानदार तो सब आपको जवाब देंगे, सब दुकानदारों से पूछे पिलर बनना चाहिए, कोई नहीं मानता। यानी आप लोगों की रजामंदी नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं जी, मैं प्रधान हूँ यहाँ का, नीचे का प्रधान वो है, उसका कार्यकाल खत्म हुआ है, वो पता नहीं क्यों जबरदस्ती कर रहा है, क्या जब आपका 2 साल का कार्य कहता जी मैं, मुझे कोई लालच नहीं है, तो भाई साहब आप कुर्सी छोड़ो ना, हम देखते हैं कैसे बनता है, आप उधर साइन करके दे रहे हो, हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम्हारी एरिया ही नहीं बनता, आप जाइए नीचे कराइए काम, नीचे वाले भी जूते मारते हैं, यहाँ आके हमारे पे जोश निकालते हैं, उसको क्या नुकसान है, नुकसान तो हम लोगों का, देखिए ये पिलर कितना इसकी बाधा है, ये लगता है यहाँ पिलर, मैंने बोला अगर आप इधर लगा रहे हैं इसको हटा दो। यानी आपकी डिमांड है पिलर एक ही लगेगा, एक जगह पे 2 पिलर नहीं लगेंगे। ये सुन के बिल्कुल राजी नहीं है मैम, जे बलि लाना चाहते हैं हम लोगों की, तो बलि लगेगी यहाँ पे, मैं कुछ नहीं क्या करूँगा, मैं अपने आप को मार दूंगा और क्या करूँगा मैं, एंड तो यही है, फिर देखना गवर्नमेंट कैसे दौड़ती है। जिस वक्त ये काम शुरू हुआ था उस समय आपने रोकने की कोशिश क्यों नहीं? बिल्कुल रोकी है मैंने सर, मैडम मैंने रोका है, मैंने बोर्ड 2 बार लगाई है, मैंने अप्रोच भी लगाई है, तभी अफसर यहाँ आते हैं, ऐसे नहीं आते अफसर, अफसर उधर बैठ के नहीं आते हैं। इसके बावजूद भी आपको निराशा ही निराशा होगी, निराशा कोई सुनवाई नहीं होगी, जो मर्जी लगा ले, मैं कहता हूँ जितनी पावर लगा ले कोई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, सुनवाई तो 0 है जी जम्मू में। 370 हमने कहा हमारा आ गया राज, मैं कहता हूँ बेड़ा गर्क हो गया हमारा, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा, सुनते नहीं है, हम क्या करें, जब मिनिस्ट्री होती थी हम अप्रोच लगाते थे, कुछ ना कुछ हल निकलता था, ये सुन के राजी नहीं है, हम मर जाते हैं, बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, आज ये बीजेपी का हमें स्नेह मिल रहा है, आप मेरी वीडियो निकालो, 50,000 वीडियो डाली है मैंने, मोदी को काम जा बनाओ, आप ये मोदी क्या हमें मार रहे हैं, ये हमारा खून चूस रहे हैं, हमारी सुनवाई बिल्कुल 0 है, किसी की भी नहीं हुआ, हम भी कहते हैं हम बड़े अप्रोच वाले हैं, जितनी मर्जी अप्रोचे लगाओ ये कोई नहीं सुनता, ये अपनी ही करेंगे, फिर देखो बोल के भी इतना पिलर लगाएंगे, आप देखो कितना पिलर लगा रहे हैं, कितना खड्डा खोद रहा है, यहाँ कहाँ जगह बचेगी, यहाँ जब ये पिलर लग गया मैम खुदा ना, कोई अफसर आएगा गाड़ी लगाएगा आप उसको रोक सकते हो, डीसी आएगा, एसी आएगा, पुलिस का आएगा, मार खानी हमने उनसे बात करके, किसी को नहीं आप रोक सकते हो,
ये तो बेड़ा गर्क हो गया ना चौक का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको बता दूं कि इस समय भारत माता चौक जो है यहाँ पे हंगामा हो रहा है कि चीज़ को लेकर। ये भी हमने आप लोगों के साथ जो है जानकारी साझा की। आप सभी को बता दूं कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समय अगर ये हमारी सुनवाई नहीं करते तो हम इससे भी ज़्यादा हंगामा करेंगे। फिलहाल आप लोगों की इसमें क्या राय, अपनी राय करो कि कमेंट बॉक्स में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए सच न्यूज़ नेट पर।